हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा पढ़ो और कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये कनेक्टेड है किसी बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो आपको क्या बताना है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का आपको रेजिस्टेंस बताना है, टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या पूछा है? टोटल करंट बताना है, और उसके बाद आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताना है, और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है ये बताना है। तो आपको यहां पे दिख ही रहा होगा कि जो लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप है, और जो कंडक्टर है, दोनों के दोनों सीरीज में है। यानी कि यहां पे अगर मैं बात कर लूं भाई आपसे कि जो ये रेजिस्टेंस ऑफ लैंप अगर मैं बात करूं तो ये कितना है? ये है 20 ओम, जो कि आपको क्या लिखा हुआ है? R1। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो है कितना? 4 ओम। ठीक है, ये दोनों के दोनों सीरीज में है, आपको दिख भी रहा है दोनों दोनों क्या है? सीरीज में है। तो अगर सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2। तो यहां से R1 की जो वैल्यू है आपको दिख रही है कितनी है भाई? तो R1 अगर 20 कंसीडर कर लूं, भी R1 तो 20 है ना, और R2 कितना है? 4। तो यहां से जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 24 ओम। सो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपका पहला क्वेश्चन या ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। कौन सा पार्ट? ए पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट क्या पूछता है? टोटल करंट इन द सर्किट। करंट के लिए आपको मालूम है वी इज इक्वल टू आई आर, यानी ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज इक्वल टू आई आर, और यहां पे आर जो होता है वो आर नेट होता है। वी कितना है? तो वी तो 6 है। आई कितना है? आपको निकालना ही है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से देखो कितनी आई है? 24। तो ये रख दो 24। तो यहां से अगर आई की वैल्यू आप फाइंड आउट करो तो आई विल बी 6/24, 6/24। ये अगर कैंसिल आउट करो तो ये तो 6 से 1 बार और ये 6 से 4 बार। तो यहां से आई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1/4, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.25 एम्पियर। यानी कि ये तो आपका ए पोर्शन हो गया और ये हो गया आपका बी पोर्शन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरे पोर्शन में, सी पार्ट में। इसमें क्या कह रहा है? पोटेंशियल अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप और पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें क्या करना है, पोटेंशियल अक्रॉस लैंप आपको बताना है और पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर बताना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल अक्रॉस लैंप क्या हो जाएगा? करंट अक्रॉस लैंप इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस लैंप। और पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर क्या हो जाएगा? करंट अक्रॉस कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस कंडक्टर। अब आपको देखो कि अगर यहां से करंट चली है, ये करंट अगर चली है तो लैंप में भी वही करंट जाएगी, कंडक्टर में भी वही करंट जाएगी। तो करंट तो दोनों केस में क्या होगी? सेम होगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई कि जो पोटेंशियल अक्रॉस लैंप है तो करंट अक्रॉस लैंप कितना है? 0.25, और रेजिस्टेंस अक्रॉस लैंप कितना है? 20। तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो 0.25 को क्या लिख सकते हो? 1/4 को सॉल्व किया तभी तो ये आया था, इनटू क्या कर दो? 20। तो ये इससे कैंसिल आउट होकर कितना आ गया भाई? 5 वोल्ट। अगर कंडक्टर के अक्रॉस आप देखो तो करंट अक्रॉस कंडक्टर ये भी कितना है? 0.25, और ये कितना है रेजिस्टेंस अक्रॉस कंडक्टर? ये है आपका 4। और 0.25 को आप क्या लिख सकते हो? 1/4 इंटू 4।
तो यहां से 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर कितना आ गया आपका, 1 वोल्ट। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो क्या है, पहला तो आपको निकालना था रेजिस्टेंस, यानी कि नेट रेजिस्टेंस, और नेट रेजिस्टेंस कितना था, 24 ओम। दूसरा आपसे पूछा था कि करंट निकालो, आई की वैल्यू कितनी आई थी इसमें, 0.25 एम्पियर। तीसरा आपसे पूछा कि क्या बताना है, पोटेंशियल अक्रॉस लैंप बताना है जो कितना है आपका, 5 वोल्ट, और पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर कितना है, वो है आपका 1 वोल्ट। तो इस तरह से ये क्या है इस क्वेश्चन के आंसर। यहां पे इस क्वेश्चन को आप देखो बड़े ध्यान से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, और उसके बाद हम क्वेश्चन को तो डिस्कस ही करेंगे। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या है, इधर ओम मीटर लिखा है, ओम लिखा है, एम्पियर लिखा है और वोल्ट लिखा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है वो तो होती है भाई एम्पियर, आपको मालूम ही है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, तो ये ओम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, तो ये वोल्ट हो गया। और रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर, तो ये ओम मीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और SI यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन, अपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर व्हाइल, जब भी उसमें करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस करंट को अपोजिशन फ्यूल होता है। और ये अपोजिशन किसकी वजह से होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या होता है, V = W/Q। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और ये भी क्या है, अपोजिशन ऑफर्ड बाई, अपोजिशन ऑफर्ड टू करंट। ओके, तो यहां से आपको ये मालूम चल गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। तो देखो इसमें आपको बड़े ध्यान से देखना है, देखो ये ले लिया पेन मैंने और अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये R1 है, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो R1 है, और ये जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो R2 है, और ये 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है जो R3 है। ठीक है, आपको ये मालूम चल गया। अब आप देखो कि जो R2 और R3 है, यहाँ पे जो R2 एंड R3 जो है, ये दोनों के दोनों किसमें है भाई, सीरीज में है। तो अगर इस सीरीज में है तो R2 और R3 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और इसका जो रेजिस्टेंस मान लो R है, R कितना हो जाएगा, 3 ओम + 2 ओम, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 ओम। इतना आपको क्लियर है। ये जो R आया है, ये R और R1, यहां से जो R आया है और R1, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, तो ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। बहुत ध्यान से आप देखना भाई। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो R की वैल्यू तो 5 ओम है और R1 कितना है, 5, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R नेट, ये 1/5 + 1/5, यानी कहने का मतलब 2/5, और 2/5 अगर ये आ गया तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, 5/2, और 5/2 तो सभी को मालूम है कितना होता है, 2.5 ओम। तो ये तो आ गया नेट रेजिस्टेंस। अब पूछा है करंट सोन इन एमीटर, एमीटर में करंट पूछा है आपसे। तो देखो करंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, करंट के लिए हमेशा याद रखो ओम्स लॉ, V = IR। अब आपको भी मालूम है कि V की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 4 वोल्ट, और I तो आपको निकालना है, और रेजिस्टेंस यहां पे देखो कितना है, 5/2, तो यहां से लिख दो आप 5/2। तो फाइनली I की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 4 × 8, 8/5, तो करंट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 8/5, इट मींस 1.6 एम्पियर। तो ये आ गई यहां से करंट की वैल्यू, और ये है R नेट,
यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो कि कितना है 2.5 ओम। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आया तो भाई लाइक कर दो वीडियो को और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। अब देखो न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो को आखिरी तक तो आप देखोगे तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आ जाएंगे। और एक बार अगर समझ में नहीं आता तो एक बार और देख लो। जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज कॉपी पेन लेके ही बैठा करो। अब अगला क्वेश्चन देखो तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जो R2 एंड R3 है ये दोनों के दोनों क्या है भाई। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। सबसे पहले तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। R2 और R3 क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो समझो कि इनसे एक रेजिस्टेंस आएगा। देखो ये तो है आपका R1 और यहां से R2 और R3 को सॉल्व करोगे तो एक रेजिस्टेंस मान लो R आ गया। तो इससे क्या आ जाएगा, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है आपका, मान लो ये 8 है। और R2 कितना है भाई, नहीं R2 और R3 है ना, ये R2 और ये R3। तो ये R2 8 है और R3 कितना है, 12 है। एलसीएम अगर आप लोगे तो ये कितना एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 24। तो 8 से तो 3 बार जाएगा और 12 से 2 बार, तो ये तो आ गया कितना, 5/24। तो यहां से जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी 24/5। तो ये कितना है, ये अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.8 ओम। तो यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 4.8 ओम। और R1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो यहां पे R1 की वैल्यू कितनी लिखी है, 7.2 ओम। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों सीरीज में है तो R नेट कितना आ जाएगा, R1 + R। और R1 कितना है, 7.2 + 4.8। इन दोनों को अगर आपने ऐड कर मारा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 12। ये कितना हो जाएगा, ये 8 और 2 मिलके 10, कैरी 1 और 7 4 11 1 12। तो ये हो गया भाई 12 ओम, आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का। अब आपसे पूछा है कि करंट कितनी होगी, तो करंट के लिए ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V की वैल्यू देखो कितनी है भाई, तो V की वैल्यू आपको भी दिख रही 6 है, तो 6 लिख दो। I की वैल्यू आपको निकालनी ही है और R की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/12, यानी कि 1/2। और 1/2 सबको मालूम है क्या होता है, 0.5 एम्पियर। तो यहां से आपको ये करंट भी मिल गई, करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर। और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी आई है, 12 ओम। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 12 ओम। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है ना बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हीट एंड पावर की, यहां से भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो जब कभी भी किसी भी वायर में हीट फ्लो करता है, सॉरी करंट फ्लो करती है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर इन तीनों को रिजल्ट को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो H इज इक्वल टू होता है I² RT। ये फाइनल रिजल्ट है। अब हमको मालूम है V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर I की जगह पे I को रिप्लेस किया V और R के टर्म में, तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है H इज इक्वल टू VIT। ये फॉर्मूला निकल के आता है कब, जब हम R को रिप्लेस कर रहे हैं। और H का एक और फॉर्मूला होता है V² R × T। ये कब आता है, जब हम I को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब अगर बात की जाए पावर की, तो पावर बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को क्या ही बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर क्या होता है, बेसिकली पावर होता है एनर्जी बाई टाइम या
हीट बाय टाइम या वर्क बाय टाइम आप बोल दो, तो एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी के फॉर्म में है। तो यहां से अगर मुझे निकालना हुआ एनर्जी, तो एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, पावर इंटू टाइम। तो ये फार्मूला भी आपको काम में आएगा जब भी एनर्जी फॉर्म निकालनी होगी, ये पावर के केस में काम आएगा आपको। और अभी आपको मालूम है, देखो अभी आपने निकाला ये हीट निकाला है ना, तो पावर इज इक्वल टू क्या करोगे, इस एनर्जी, ये सारी की सारी हीट है और हीट भी क्या है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी बाई टी करोगे तो यहां से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। और दूसरे में टी डिवाइड करोगे तो दूसरा एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो क्या आएगा, पी इज इक्वल टू वी आई, ये पावर का दूसरा फॉर्मूला निकल के आया। और तीसरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा पावर का, वी स्क्वायर बाई आर, ये भी फॉर्मूला निकल के आएगा ना पावर का। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई। अब अगर आपसे पूछता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो वो आपको बता देना है किलोवाट आवर, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसी को बोलते हैं वन यूनिट। वन किलोवाट आवर को ही हम क्या लिख सकते हैं, वन यूनिट। और वन किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये सारे कन्वर्जन आपको याद रखने। एक और कन्वर्जन होता है, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो ये सारे के सारे कन्वर्जन आपको याद रखने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कुछ डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना है बल्ब का, 5 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर। तो ये हो गया करंट, करंट कितना है भाई, 100 मिली एम्पियर। अब मिली का 100 है ना भाई, ये एक और जीरो लगा दिया। 100 मिली एम्पियर का मतलब है 100 × 10⁻³ एम्पियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना क्या करना है, एक तो पावर कैलकुलेट करना है और दूसरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये तो गिवन इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला अगर याद है तो ये आंसर तो चुटकियों में आएंगे। तो सबसे पहले पावर देखो, पावर इज इक्वल टू क्या बताया था, वी इंटू आई। वी कितना है आप देखो इसमें, एक तो है वी क्या, 5, और करंट कितना है, ये है 100 एम्पियर, तो ये हो गया भाई ये, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट। तो यहां से देखो भाई, ये है 10⁻³ और ये है 10⁻², तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां पे इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 5 × 100 डिवाइड बाई 10³ है, नीचे जाएगा तो 10⁻³ है ना, नीचे जाएगा 10³ हो जाएगा, और 10³ क्या होता है, 1000, 10, ये दोनों जीरो, तो यहां से आ गया 0.5 वॉट। तो पावर कितना आ गया भाई, 0.5 वॉट। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ गया, मुझे भी अच्छा लगा। रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। वी की वैल्यू आप देखो कहीं पे है क्या, हाँ ये है 5 वोल्ट, और I की वैल्यू देखो कितनी है, 100 × 10⁻³ और ये हो गया R। तो यहां से R की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 5 / 100 × 10⁻³। अब ये 10⁻³ ऊपर चली गई मान लो, तो कितना हो जाएगा, 5 × 1000, देखो 10³ हो जाएगा और 10³ क्या होता है, 1000, और ये डिवाइड बाई 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए, और यहां से मल्टीप्लाई किया तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, 50 ओम। सो हियर द रेजिस्टेंस इज 50 ओम एंड पावर इज 0.5 वोल्ट। तो ये हो गया पावर, जो कि कितना है, 0.5 वॉट, और रेजिस्टेंस कितना है आपका, 50 ओम। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आसान ही था, इसमें ज्यादा कुछ माथापच्ची है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला यूज कर लेना और ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बट यहां पे मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए।
देखो एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, तो 20 ओम है इसका रेजिस्टेंस। जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर की, तो करंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 एम्पियर। फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना है भाई, 30 सेकेंड, और आपसे पूछा है हीट कितनी होगी। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला सिंपल सा है, हीट के लिए I²RT, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपको वैसे भी क्वेश्चन में दिख रही है यहाँ पे। और ये तीनों वैल्यूज अब क्या रख देना है, यहाँ पे रख देना है। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I²। I कितना है भाई, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इंटू R कितना है, तो R तो 20 है। टाइम कितना है, तो टाइम तो 30 है, तो यहां से 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, और ये खुद हो गया 20, और ये खुद है 30। ये 25, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 50 आया, और 50 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया, और 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, तो यहां पे आ गए 2 जीरो, और ये हो गया जूल। तो यानी कि 15,000 जूल, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 किलो जूल। सो दिस इज द आंसर, कितना हीट डेवलप होगा 30 सेकेंड में, तो आपको याद रखना है 15 किलो जूल, दैट इज द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। सो आसान सा क्वेश्चन था ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, अब पूछ रहा है विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट TV सेट इन 1 आवर, या कि 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। देखो भाई, एक तो टीवी है, टीवी क्या है, टीवी की जो पावर रेटिंग है वो है 250 वॉट, और टीवी कितने घंटे चल रही है, तो ये 1 घंटे चल रही है। दूसरा क्या है भाई, तो टोस्टर है, क्या है, टोस्टर है, टोस्टर, टोस्टर को देखो, तो टोस्टर के केस में टोस्टर चल कितना रहा है भाई, तो टोस्टर का जो पावर रेटिंग है वो है आपकी 1200 वॉट, और कितना चलता है, तो ये 10 मिनट चलता है। देखो अब इसके दो तरीके हैं, या कि इस क्वेश्चन को जूल में कर लो, एनर्जी जूल में भी होती है, या इस क्वेश्चन को आप किलोवाट आवर में कर लो, कॉमर्शियल में कर लो। तो अगर किलोवाट आवर में करोगे तो ये आसान रहेगा। देखो 250 वॉट को अगर किलोवाट में आप कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 1000 करोगे, और डिवाइड बाई 1000 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.25 किलोवाट, और आवर में तो यह है ही। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया तो 1.2 किलोवाट आ जाएगा, और इस टाइम को अगर आवर में कन्वर्ट किया तो 10/60, यानी कि 1/6 आवर। अब अगर मैं एनर्जी निकालूं किसकी, टीवी की, तो आपको भी मालूम है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब आप यहां पे देखो इसका पावर कितना है, तो 0.25, और टाइम कितना है, 1 आवर, तो 1 हो गया। तो यहां से जो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टीवी आ गया 0.25 किलोवाट आवर, ये किसका आया है, ये आया टीवी का। अगर टोस्टर की बात करें तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टोस्टर कितना आ जाएगा, पावर इंटू टाइम। अब इसकी पावर कितनी है, 1.2 इंटू, इसमें टाइम कितना है, 1/6। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 0.2। देखो 6 × 12 और यहां पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2 किलोवाट आवर। तो यहां पे देखो टीवी कितना यूज कर रहा है, 0.25, और ये कितना यूज कर रहा है, 0.2, यानी कि एनर्जी यूज्ड बाई टीवी इज ग्रेटर देन एनर्जी यूज्ड बाई टोस्टर। देखो आसान था ना। अब आप ये भी कर सकते हो, जूल में भी कर सकते हो, देखो जूल में भी कर सकते हो। तो यहां पे वॉट है तो वॉट को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे आवर है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे, और यहां पे मिनट में है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अब इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो ये है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम।
ठीक है। अब ये है कि अगर एनर्जी आप किलोवाट आवर में भी लिख सकते हो और एनर्जी आप जूल में भी ले सकते हो। जब एनर्जी किलोवाट आवर में लोगे तो पावर किलोवाट में होगा, टाइम आवर में होगा, और जब एनर्जी जूल में लोगे तो पावर वाट में होगा और टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 100 जूल हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। यानी कि जो इसमें हीट है, हीट कितनी निकल रही है, 100 जूल आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, यानी कि टाइम कितना है मान लो 1 सेकेंड, हर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो 1 सेकेंड आप कंसिडर कर लो। रजिस्टेंस कितना है आपका, 4 ओम। तो ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब आप एच टी आर वी के टर्म में फॉर्मूला याद करो, कोई फॉर्मूला था तो एच इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ऐसा फॉर्मूला मैंने हीट का आपको बताया था। तो एच की वैल्यू कितनी है भाई, तो 100 है, इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमें निकालनी है तो वी स्क्वायर लिख दो, आर की वैल्यू कितनी है 4 तो यहां पे 4 लिख दो, और टाइम की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से अगर सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 400, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां से वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 वोल्ट। अब देखो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहां से 20 वोल्ट क्या आ गया आंसर, तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। देखो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन में गिवेन क्या है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। बट यही है कि फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। यहाँ पे देखो कुछ और बेसिक चीजें, कुछ ज्ञान वाली बातें देख भाई। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट है, अब इलेक्ट्रिक करंट गैल्वेनोमीटर रियोस्टेट बैटरी और अमीटर, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर मेजर करना है तो आपको अमीटर की आवश्यकता तो होगी। स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ सर्किट, सर्किट में अगर स्मॉल डिफ्लेक्शन चाहिए तो गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटी चीजों को पकड़ लेता है। मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन करना है तो आपको चाहिए भाई बैटरी, बैटरी से ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में आपको भाई यूज करना पड़ेगा रियोस्टेट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। इसके सिंबल भी याद रखो, जी जी को ऐसे इधर लगा दो, इधर लगा दो, प्लस इधर माइनस इधर, ये गैल्वेनोमीटर। रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं ऐसा, ये हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में ऐसे एक एरो लगा दो तो ये हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, और समटाइम्स ऐसा भी सिंबल यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। बैटरी के लिए तो आपको मालूम ही है कि ये ऐसा और फिर एक छोटा सा टर्मिनल और एक बड़ा टर्मिनल, ये तो हो गया सेल, और नंबर ऑफ सेल मिल जाए तो बैटरी बन जाता है, तो ये हो गया बैटरी। यहां पे प्लस लगा दो, यहां पे माइनस, तो ये तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा सेल, और नीचे वाला क्या है बैटरी। एमीटर के केस में वही देखो भाई, ए लिखा और ऐसे गोला मार दिया, इधर एक पूंछ इधर एक पूंछ, यहां पे लगाया प्लस और यहां पे लगा रहा है माइनस, तो ये सिंबल भी हो गया। कभी कभी एमसीक्यूज में आपके सिंबल आ जाते हैं तो इसकी भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो और कोशिश करो। तो यहां पे देखो भाई, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, तो भाई 220 वोल्ट जैसे लिखा तो लिख लो पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। द करंट इज 0.5 एम्पियर, तो यानी करंट की जो वैल्यू है वो है 0.5 एम्पियर। वॉट इज द पावर ऑफ द बल्ब, आपसे पूछा है भाई पावर निकालना है। अब इससे आसान क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, अब वी और आई को मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू आई। वी कितना है आपका 220,
और 0.5 का मतलब होता है हाफ, इसको इससे कट दिया तो कितना आ गया 110, तो पावर आ गया आपका 110। और क्या, और क्या होता है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो 110 वॉट क्या आ गया इसका आंसर आ गया, आसान सा प्रश्न। अब इसके लिए की पॉइंट बस यही है, अगर ये आता है आपको फॉर्मूला तो फिर घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो रेट क्या है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 6 रुपए है, तो कितना कंजप्शन होगा 30 डेज में, यही तो आपसे पूछा है। तो हमें एनर्जी निकालनी है, तो एक तो इलेक्ट्रिक हीटर यूज होता है जो 100 वॉट का है। देखो अगर यूनिट में आपको निकालना है तो एनर्जी, कोशिश करो कि एनर्जी किसमें निकालो, आप किलो वॉट आवर में, यानी कि आपको पावर रखना है किलो वॉट में और टाइम रखना है आवर में, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हीटर यूज करते हैं और रेफ्रिजरेटर, एनर्जी यूज्ड बाई हीटर कितना हो जाएगा, तो एनर्जी देखो हीटर कितना है, 1000 वॉट का है, यानी कि 1 किलो वॉट का है। तो ये एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है भाई, तो पावर है 1 किलो वॉट और टाइम कितना है, 5 घंटे। तो यहां से आपको आ गया 5 किलो वॉट आवर। इतना तो कौन यूज करता है, हीटर यूज करता है। और रेफ्रिजरेटर देखो, इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर, तो यहां पर रेफ्रिजरेटर का देखो ये भी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर आपको किस में लेना है, किलो वॉट में, तो ये किलो वॉट में कितना हो जाएगा, 0.4 किलो वॉट। देखो 400 वॉट है, डिवाइड करोगे 1000 से तो क्या हो जाएगा, 0.4 किलो वॉट। तो यानी कि पावर कितना, 0.4 किलो वॉट, और टाइम कितना है, 10 आवर। तो ये हो गया 10 आवर, यानी कि कितना आ गया, 4 किलो वॉट आर। अब देखो ये जो आपका हीटर है ये तो 5 किलो वॉट यूज करता है और रेफ्रिजरेटर 4 किलो वॉट, ये एक दिन का है। तो टोटल एक दिन में कितनी एनर्जी है, एनर्जी इन वन डे, एक दिन में एनर्जी कितनी यूज होती है, तो ये 5 + 4 दैट इज 9 किलो वॉट आवर। ये कितने दिन में है अभी, एक दिन में। तो आपको मालूम है कि सितंबर में होते हैं 30 डेज, तो एनर्जी यूज्ड इन 30 डेज, 30 डेज में एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो 9 × क्या कर दोगे भाई, 30। और आपसे बोला है तो ये तो एनर्जी हो गई, और एक यूनिट का मतलब 1 किलो वॉट आवर, तो ये हो गया 270 किलो वॉट आवर, ये टोटल एनर्जी आ गई। और आपको भी मालूम है देखो कि जो 1 किलो वॉट आवर होता है वही तो 1 यूनिट होता है, इतनी बात सभी को क्लियर है ना भाई। तो अब 1 किलो वॉट आवर दैट इज 1 यूनिट, यानी कि 270 किलो वॉट आवर, यानी कि 270 यूनिट। और एक यूनिट में कितने रुपए देने पड़ते हैं, 6 यूनिट, तो 270 यूनिट में कितने पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 270 × 6, तो यहां से कितना आ गया, 0, 6 × 42 और 6 × 2 = 12 और 12 × 4 हो गया 16, यानी 1620 रुपए इसको देने पड़ेंगे, इतना आएगा कॉस्ट। यानी टोटल कितने रुपए भी, 1620 रुपए। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करो और देखो। उसके बाद यहां पे एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, पावर कितना है रेफ्रिजरेटर का, 400 वॉट है, ठीक है। हर दिन कितने घंटे चलता है, तो 8 घंटे चलता है, यानी कि टाइम कितना है, 8 आवर। हर दिन कितने घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है। तो अगर 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, अगर पर किलो वॉट आवर कितना लगता है, 3 रुपीज, तो पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किस में, आवर में, ठीक है भाई। तो इसको किलोवाट में करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 किलोवाट।
पावर, और टाइम कितना है 8 घंटे, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे कितना हो जाएगा, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 0.4 और टाइम कितना है 8, तो अगर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 3.2 किलोवाट आवर। ये कितने दिन में आ गया, ये एनर्जी आई भाई एक दिन में कितना 3.2 किलोवाट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन कितने दिन में पूछा है, 30 डेज में, तो 30 डेज में एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, तो 3.2 इंटू 30 मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो तो इसको पॉइंट को हटा देगा और ये कितना आ जाएगा 3 × 6 और 3 × 9, यहां से पॉइंट हटा देना है एक्चुअली पे, ये हो गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 96 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर अगर यूज करते हो तो 3 रुपए देने पड़ते हैं, तो 96 किलोवाट आवर के लिए सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 96 डिवाइड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई कितना है 3 रुपए, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3×6 = 18 और 3 × 9 = 27 और 27 में कितना एक और ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 28, 288 रुपए। यानी कितना देना पड़ेगा टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा 288 रुपीज। सो ये क्वेश्चन भी आपके पल्ले पड़ गया होगा, सिंपल सा है। देखो 30 दिन में एनर्जी का कंजप्शन निकाल दो और 1 किलोवाट का 3 रुपए कॉस्ट है तो 96 का कितना आ जाएगा 288 रुपीज। फॉर्मूला क्या यूज करना है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और याद रख लेना कि पावर किस में ले लेना है आपको, पावर होना चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आर में, क्योंकि कंजप्शन का जो रेट है वो किलोवाट आवर में है। पक्का हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम अ सर्विस ऑफ 2 आर। तो यहां पे रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, करंट कितना है आपका 15 एम्पियर, टाइम कितना है आपका 2 घंटे भाई। तो ये पूछा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। रेट ऑफ हीट क्या होता है, देखो क्वेश्चन ये कंफ्यूजन वाला है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो हीट का क्या पूछा है, रेट पूछा है, यानी कि ये पावर पूछा है आपसे, तो इस 2 घंटे का कोई भी काम यहां पे नहीं है। तो और पावर क्या होता है, पावर अगर निकालना हुआ तो यहां पे आर और आई के टर्म में पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 8, और 15 का स्क्वायर तो सब बच्चे बच्चे को मालूम है 225, और 225 को 8 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 5 बार किया तो 40 हो गया, 8 से 2 बार किया तो 8 × 2 = 16 और 16 × 4 = 20 हो गया, और 8 से अगर 2 बार किया तो 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 18। तो ये आ गया भाई कितना आ गया आपका 1800 पावर है तो वाट हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, और कंफ्यूजन इसमें हीट निकालने मत निकल जाना, क्योंकि क्या पूछा है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, यानी कि पावर पूछा है आपसे। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, इसको पढ़ो भाई, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये कितने क्वेश्चन है भाई, तो 10 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो और प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।